नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस के 90 में। दोस्तों, आज के NTPC एग्जाम के सेकंड शिफ्ट के जीके जीएस के साथ साथ मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाले हैं। वीडियो पूरा कंप्लीट देखेंगे दोस्तों और शेयर करेंगे, शेयर करना नहीं भूलिएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो अच्छा जरूर लगेगा क्योंकि एकदम बेहतरीन अंदाज में आपके पास हम उपलब्ध करा रहे हैं वीडियो को, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, सबसे पहला प्रश्न पूछा है कि झारखंड जो है, झारखंड राज्य से कितने राज्य सीमा साझा करता है। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल था, झारखंड, ठीक है, झारखंड राज्य से कितने और राज्य जो है, कितने राज्य सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता है। दोस्तों एक बात बताइए, झारखंड बहुत ही, यानी कि जो राज्य है बिहार से अलग हुआ राज्य है, और ये जो है 2000 ईस्वी में अलग हुआ था, बिहार से अलग हुआ था, इसलिए ये तो बिहार के बगल में तो होगा ही, बिहार से साझा करेगा ही करेगा, नहीं उसके साथ साथ ये करता है उत्तर प्रदेश से साझा, ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये करता है मध्य प्रदेश से साझा, ठीक है, और मध्य प्रदेश के साथ साथ ये क्या करता है, ये करता है आपको पश्चिम बंगाल से भी साझा करता है, ठीक है, पश्चिम जो है पश्चिम बंगाल, ठीक है, और क्या करता है, तो एक और बच जाता है जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से, यानी कुल मिलाकर के जो है ये पांच राज्यों के साथ जो है सीमा साझा करता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, पांच, ठीक है, और किन किन राज्यों से, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। अब ये दूसरा प्रश्न एक पूछा था कि जो पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान से कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है, बोला है सीमा साझा नहीं करता है, ऑप्शन में था उत्तर प्रदेश, तो आप उत्तर प्रदेश था जो उत्तर प्रदेश नहीं करता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश कैसे छाटेंगे, तो पहले पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य साझा करता है। दोस्तों साझा कौन करता है, इसके लिए आप ट्रिक्स याद रखेंगे, जो ट्रिक्स है ये है, ठीक है, याद रखेंगे पंगू राज, क्या रखेंगे, पंगू राज, ये पाकिस्तान जो है ये पंगू राज से क्या करता है, सीमा साझा करता है। पंगू मतलब पंजाब, पौस हो गया पंजाब आपका, ठीक है, पंजाब, गूस हो गया यानी गुजरात, ठीक है, गुजरात, रास हो गया राजस्थान, राजस्थान, और उसके बाद जॉस क्या हो गया, जॉस क्या हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा तो विवादित यही रहता है ना पाकिस्तान, तो ये प्रश्न पूछे हैं, तो दोस्तों याद रखना पंजाब, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम, ये सॉरी जम्मू कश्मीर से ये साझा करता है, तो बाकी अन्य राज्यों से जो आपके पास 28 राज्य हैं उसमें से, यानी कि अगर चार से करता है तो यानी 24 से तो साझा नहीं करता होगा, बाकी जो 24 अगर ऑप्शन रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों कि भारत के महान्यायवादी कौन है, भारत के महान्यायवादी, जो महान्यायवादी होता है इसको अंग्रेजी में कहते हैं अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल जो भी है के वेणुगोपाल है, के हैं के वेणुगोपाल, ठीक है, के वेणुगोपाल है ये जो है। सो आपको केंद्र सरकार को जितने भी कानूनी सहायता होता है वो प्रदान करते हैं, ठीक है। ये अगला प्रश्न पूछा दोस्तों कि सिल्वर का प्रतीक क्या होता है, साइंस से देखिए, सिल्वर बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा है, सिल्वर का प्रतीक आप जानते हैं, सिल्वर का प्रतीक क्या होता है, तो वो हो जाता है Ag, ठीक है, क्या होता है Ag, सोना का अगर पूछ दे Au, ठीक है। एक और साइंस से प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन सा भिन्न है, देखिए भिन्न को चुनना था, भिन्न में चार ऑप्शन आपको दिए गए थे, एक था हीलियम, एक था आर्गन और एक था क्या हीलियम, उसके बाद एक था नियन और एक था सोडियम, चार ऑप्शंस दिए गए थे दोस्तों। ये जो आपका होता है हीलियम, आर्गन, नियन, ये जो हो जाता है अक्रिय गैस होता है, ठीक है, अक्रिय गैस, और ये सोडियम जो होता है क्या होता है, ये धातु हो जाता है, ये आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये जो छह होते हैं तत्व वो अक्रिय गैस होते हैं, इसके लिए हम कहते हैं ना माधो को लेना ना उधो को देना, ना ये इलेक्ट्रॉन किसी को प्रदान करता है ना किसी से ग्रहण करता है, ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएंगे, ये तीनों जो है सो आपका क्या हुआ अक्रिय में, ये सोडियम इसको क्या होता है भिन्न हो जाता है। देखिए अगला प्रश्न एक पूछा है, भूगोल का जनक किसे कहते हैं, देखिए एकदम कितना आसान प्रश्न पूछा है, भूगोल का जनक सभी लोग जानते हैं, इतिहास का जनक हेरोडोटस, भूगोल का जनक एरेटोस्थनीज कहा जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न एक पूछा है, देखिए कि ब्राजील की राजधानी कहां है, ब्राजील की राजधानी जो है ब्राजीलिया है, ब्राजीलिया क्या है, ब्राजीलिया, देखिए ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न पूछा है कि अशोक का जो शिलालेख मिला था, उस शिलालेख में जो सबसे पहले शिलालेख था उस वो जो है किस लिपि में लिखी थी, यानी अशोक का जो शिलालेख था, ठीक है, अशोक का पहला शिलालेख, ठीक है, पहला शिलालेख ये जो है आपको किस भाषा में यानी किस लिपि में मिली थी। तो दोस्तों ये जो है ब्राह्मी भाषा कहिए या ब्राह्मी लिपि कहिए, ठीक है, ब्राह्मी भाषा में, ठीक है, या ब्राह्मी लिपि कह सकते हैं। देखिए एक प्रश्न पूछा था दोस्तों, जो एक प्रश्न था कि अंतरिक्ष, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, भारत में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम चल रहा है, जो इसरो है, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, ये दोस्तों अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे, तो ये विक्रम साराभाई, कौन, विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई, ठीक है, भारतीय जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे, तो ये विक्रम साराभाई। इनसे जो प्रश्न पूछा है बहुत ही आसान आसान प्रश्न पूछा है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों दही में आप जानते हैं दही में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस होता है जीवाणु, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, दही में लैक्टिक अम्ल। दोस्तों पूछ देता है चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी में याद रखिएगा फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा चींटी में, बराबर पूछता है कि चींटी में, तो दही में लैक्टिक अम्ल और चींटी में पूछेगा अगर तो फॉर्मिक अम्ल। दोस्तों पूछेगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में तो ये एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा ये सब चीजें याद रखिएगा क्योंकि ये पूछने योग्य। दोस्तों एक पूछा है कौन सा विटामिन जो है कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है, यानी कौन विटामिन है, कौन सा विटामिन, विटामिन कैल्शियम को, ठीक है, कैल्शियम को, कैल्शियम को क्या करता है, अवशोषित करने में मदद करता है। दोस्तों आप जानते होइएगा कि कैल्शियम, आप जानते हैं कि विटामिन डी के कारण हड्डी मजबूत होता है, किसके कारण, विटामिन डी के वजह से, विटामिन डी के वजह से, और ये विटामिन डी कहाँ मिलता है, तो धूप में मिलता है, विटामिन डी से जब हड्डी मजबूत होता है तो हड्डी में क्या होता है, कैल्शियम पाया जाता है, तो यानी कैल्शियम को कौन मिलेगा, यानी अवशोषित करेगा, तो विटामिन डी करेगा। एक प्रश्न पूछा था कि सी आर टी का फुल फॉर्म क्या होता है, पूछा सी आर टी, दोस्तों सी आर टी का फुल फॉर्म ये जो होता है कैथोड रे होता है, क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब करके, ठीक है, कैथोड जो होता है, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, ये कैथोड रे ट्यूब होता है इसका फुल फॉर्म, समझ में आ रहा है। चलिए अगला जो प्रश्न पूछा है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो है भारत की रैंकिंग क्या है। दोस्तों ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन, इनोवेशन रैंकिंग 2020 की बात हुई है, रैंकिंग 2020 में जो है यह भारत की रैंकिंग क्या थी, ये 48वां रैंक था भारत का ग्लोबल इनोवेशन में। दोस्तों आगे जो प्रश्न पूछा है, जरा देखिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत का जो पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, पहला रेलवे विश्वविद्यालय ये जो है प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय, ठीक है, ये कहां पर है दोस्तों, ये जस्ट बना है, ठीक है, विद्यालय देख, ठीक है, कहां पे बना है, तो ये आपको गुजरात के वडोदरा में बना है, गुजरात के वडोदरा में, वडोदरा में। दोस्तों जस्ट 2018 में जो है इसका जो है क्या हुआ है, शुरुआत हुआ है, ठीक है, अब इसको जो है उस समय के तत्काल या अभी भी वर्तमान में पीयूष गोयल है, ठीक है, पीयूष गोयल जो रेल मंत्री हैं इन्होंने, और साथ में विजय रूपानी जो वहां के तत्काल जो है सो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, इन दोनों ने क्या किया है, इसका उद्घाटन किया है, यानी कि इसका हरी झंडी दिया है, ठीक है। अगला एक प्रश्न पूछा दोस्तों, साइंस से है कि वेग और संवेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वेग और संवेग के गुणनफल को, सॉरी वेग और द्रव्यमान, ठीक है, वेग और द्रव्यमान, द्रव्यमान के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, ठीक है, द्रव्यमान, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, संवेग कहते हैं, क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, ठीक है, संवेग कहते हैं, वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, यानी वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को हम क्या कहेंगे, संवेग कहते हैं, ये पूछा है। देखिए अगला प्रश्न एक पूछा है कि सेतु भारतम,
योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? सेतु भारतम योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? ये जो है सेतु भारतम, ठीक है, सेतु भारतम योजना, ये दोस्तों भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है, यानी भारत सरकार में, यानी प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत सरकार मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा। देखिए अगला प्रश्न जो पूछा है दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा है कि जो नवरत्न थे, ठीक है, चलिए एक प्रश्न पूछा है कि जो नवरत्न चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे, वो निम्न में से कौन उसमें उपस्थित था? नवरत्नों के नाम में यानी कि दिया गया था, ठीक है, अलग अलग नाम दिया गया था और चौथा ऑप्शन उसमें था दिया हुआ। देखिए दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की अगर बात करें, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, यानी विक्रमादित्य अगर इसकी बात करें दोस्तों, तो ये इनके दरबार में कौन कौन रहते थे? नवरत्न रहते थे। नवरत्न में धनवंतरी थे, ठीक है, धनवंतरी की बात करेंगे, छनपक थे, शंकु थे, खटकारा था, ठीक है, उसके बाद क्या था, कालिदास, वेताल, वेताल जो था एक, ठीक है, और क्या थे, एक वरुचि थे और वराह मिहिर थे, वरुचि और वराह मिहिर भी थे, तो यानी ऑप्शन में था वराह मिहिर दे, ठीक है, वराह मिहिर दिया हुआ था, ये आपका सही आंसर था। एक प्रश्न पूछा था दोस्तों कि जो नेपाल के राष्ट्रपति कौन थे, नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, नेपाल के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट की बात करते हैं राष्ट्रपति, तो ये जो थे, ये जो अभी है वो कौन है, तो विद्या भंडारी, ठीक है, विद्या भंडारी नायके, ठीक है, ये है। और अगर प्रधानमंत्री की बात अगर हम करते हैं दोस्तों, विद्या भंडारी, ठीक है, याद रखिएगा विद्या भंडारी। और जो अगर प्रधानमंत्री की हम बात करते हैं तो वो कौन है, केपी शर्मा ओली, ठीक है, कौन है, ओली, ये है। चलिए हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के प्रश्नों की दोस्तों, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मैथमेटिक्स के प्रश्नों को। जैसा कि हमारी आदत है, हम सबसे पहले त्रिकोणमिति से शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए त्रिकोणमिति में क्या क्या प्रश्न पूछा है। सबसे पहला प्रश्न पूछा दोस्तों कि √3 tan θ √3 tan 2θ दिया हुआ है, √3 tan 2θ -3, ठीक है, हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, एक प्रश्न था। दूसरा जो प्रश्न था दोस्तों ये था कि कोई एक ये है, ठीक है, कोई खंभा है जिसकी ऊंचाई जो है 10 मीटर दी गई है और इसकी छाया जो बनती है, ये छाया ये 10√3 meter है, तो इसका उन्नयन कोण ज्ञात करना, थीटा ये ज्ञात करना, ठीक है, ये। तीसरा जो प्रश्न त्रिकोणमिति से था ये था आपको कि cot 15 degree इंटू cot 75 degree इंटू cot 60 degree इंटू cot 30 degree प्लस में है tan 45 degree, ये दिए गए हैं, ठीक है। अब इसको कैसे हल करेंगे जरा देख लीजिए, इसको हल कैसे करेंगे, तो अब फटाफट अंदाज में तीनों प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न कैसे हल करेंगे, जब -3 = 0 अगर दिया हुआ है, बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे तो आप क्या करेंगे, इसको देख लीजिए, √3 tan 2θ = 3 लिख सकते हैं, माइनस वाला उधर के प्लस में, tan 2θ = आप लिखेंगे 3/√3। आप जैसा कि जानते हैं इसको आप या तो हर का परिमेयकरण कर लीजिए, √3/√3 कर लीजिए, या आप सीधे सीधे काट भी सकते हैं क्योंकि 3 से कटेगा √3। tan 2θ = √3 का मतलब होता है tan 60 degree, तो 2θ = जो हो गया वो 60 हो गया, तो θ = 30 degree हो जाएगा, यानी पहला का आंसर ये हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, θ = 30 degree आंसर। अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, बहुत ही आसान था दूसरा प्रश्न। देखिए कि कोई भी दिया हुआ एक खंभा है, खंभे की जो छाया बनती है यहां 10√3 meter, तो थीटा यहां ज्ञात कर रहा है कितने डिग्री का कोण बनेंगे दोस्तों, यहां tan θ लगाएंगे तो लंब और आधार हमको मालूम है, ये समकोण हो जाता है, लंब और आधार मालूम है, तो tan θ और लंब बटा आधार होता है, यानी 10/√3 हो जाएगा, 10 कट जाएगा, यानी tan θ = हो जाएगा 1/√3, यानी tan θ = जो हो जाएगा आपको tan 30, ठीक है, तो θ = कितना हो जाएगा 30 degree, यानी ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। आइए तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, तीसरा प्रश्न क्या था, cot 15 cot 75। दोस्तों ऐसे प्रश्नों में ध्यान ये रखना है
जब मान नहीं दिया रहे और इनटू में रहे तो जिन दो का योग 90 डिग्री होता है उसका वैल्यू एक हो जाता है, ठीक है। यानी 15 और 75 का योग होता है 90, इसका वैल्यू एक, और फिर कॉट 60 और 30 का वैल्यू हो जाएगा 90, तो उसका भी मान गुनाम कर लीजिए एक, और प्लस 10 45 का मान तो ऑलरेडी होता है 1, तो 1 × 1 1 + 1 = 2 आंसर हो जाएगा इसका। क्या इसका आंसर हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, आगे हम परसेंटेज से सवाल ले रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक वस्तु है जिसके जिसको विक्रय मूल्य पर बेचने पर 5% लाभ होता है। देखिए एक वस्तु है, एक वस्तु को जब पहले बेचा जाता है, पहले बेचा जाता है तो उसको 5% लाभ होता है, ठीक है, लाभ होता है। और यदि कहता है और यदि 50 रुपये की कमी करके बेचा जाए, और यदि 50 रुपये की कमी पर बेचा जाए, कमी पर बेचा जाए तो उसको क्या होता है 5% की हानि हो जाती है, हानि हो जाती है। तो कहता है प्रारंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, प्रारंभिक विक्रय मूल्य आप ज्ञात कीजिए। देखिए ये कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा कि पहले 5% लाभ पर बेचता है और बाद में 5% हानि पर बेचता है, और इसमें अंतर होता है 50 रुपये, यानी 5 और 5 10% का वैल्यू अंतर हो गया, यानी 50 रुपये। अगर 1% की बात करेंगे तो ये 5 रुपया, और 100% की बात करेंगे तो ये 500 रुपया हो जाएगा, और 500 रुपया हो गया। और कहता है चूंकि प्रारंभिक मूल्य चाहिए हमको, प्रारंभिक बेचने वाला मूल्य 5% लाभ पहले लेता है, ये इसका 100% का वैल्यू हो गया, कुल इसका जो क्रय मूल्य होगा वो हो गया, और ये 5% लाभ पर बेचता है, मतलब 105/100 कर लेंगे। अब सीधी सीधी आप जानते हैं 0 0 खत्म हो गया, 105 × 5 = 525 रुपया आंसर हो जाएगा। ये रहा पहला प्रश्न, ठीक है, ये पहला प्रश्न था, बहुत ही मजेदार प्रश्न था। अब देखिए दूसरा क्या पूछा है परसेंटेज से, कहता है जो प्रश्न पूछा देखिए जरा, कहता है एक जो है कोई वस्तु बेचा जा रहा है, ठीक है, वस्तु को बेचा जा रहा है, जब बेचा जा रहा है दोस्तों, बेचा जा रहा है, ठीक है, कहता है कि जो 20% की हानि हो जाती है जब बेचता है उसको, तो 20% का क्या होता है, हानि हो जाता है, ठीक है। और कहता है जो अगर 2 वर्षों के बाद उसको, 2 वर्षों के बाद कार का मूल्य जो होता है 20% प्रतिवर्ष हानि होता है, हानि जो होता है प्रतिवर्ष हो रहा है, ठीक है, हानि प्रतिवर्ष हो रहा है। और कहता है इसको कि यदि 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य 48,000 हो जाए तो इसका जो है क्रय यानी प्रारंभिक मूल्य कितना था, तो प्रारंभिक मूल्य इसको कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देख लीजिए कि 20% हानि प्रतिवर्ष हो रहा था, 20/100 यानी कितना हो गया, 1/5, यानी 5 से घटा दीजिए 4/5, हानि होता तो घटाते हैं और लाभ होता तो जोड़ लेते हैं, तो 4/5 हुआ, और 2 वर्ष की बात हो रही, इसको गुना कर लीजिए 4/5 से 4 × 16/5 = 25, ये हो गया कितना, ये 16/25 ये इसके बराबर हो गया, यानी कितना 48,000 को गुना कर दीजिए ये कितने से, इसको आपको लाना क्या है, तो मूलधन लाना है, यानी कि पहले वाला धन लाना है, प्रारंभिक मूल्य लाना है, इसको आप पलट लीजिए 25/ कर लीजिए 16 16 3 48, 3,000 हो गया, 25 3 75,000 इसका क्या हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 75,000 इसका मूल्य हो जाएगा। देखिए एक प्रश्न पूछा था त्रिभुज से, बहुत ही आसान सा प्रश्न था, प्रश्न ये था कि कोई त्रिभुज दिया गया, ठीक है, कोई त्रिभुज, दो त्रिभुज दिए गए हैं और समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज क्या होते हैं, या त्रिभुज समरूप नहीं है कुछ भी ऐसा है, देख लीजिए कि अगर इसका भुजा ए दिया हुआ है और इसके भुजा को कहता है 3 गुना कर दिया जाए, 3a कर दिया जाए, या इसका मान लीजिए अगर एक्स दिया हुआ है और इसको 3x कर दिया जाए, तो क्षेत्रफल में कितना गुना का वृद्धि होगा, जब भी क्षेत्रफल की बात हो तो आप वर्ग कर दिया कीजिए, जब भी क्षेत्रफल की बात हो तो वर्ग कर दीजिए, और आयतन की बात हो तो उसको 3 बार यानी घन कर दिया कीजिए, यानी वर्ग की बात, क्षेत्रफल की हो रहा है तो 3 गुना, 3 गुना मतलब 3 गुना का जब हम वर्ग करेंगे तो 9 गुना आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 गुना आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न देखिए क्या पूछा है, बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही अच्छा, हाँ देखिए एक सवाल था कि x बटे y बराबर 4/3 दिए गए हैं, तो 4x + 3y / 4x - 3y ज्ञात कीजिए, एकदम बहुत ही आसान था, आप आराम से ज्ञात कर लिए होइएगा, 4 से x 4 की जगह और y की जगह 3 रख दीजिए, यानी 4 × 4 + 3 × 3 / 4 × 4 - 3 × 3, 4 × 16 3 × 9 25 / 16 - 9 यानी 7, ये आंसर हो जाता है, ठीक है। देखिए आगे प्रश्न एक पूछा था कि एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त है, उसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है,
21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये था वृत्त, 21 सेंटीमीटर जो है त्रिज्या है आर इसका, और इसमें थीटा दिया हुआ कितना, तो ये 40 डिग्री दिया गया है। तो कहता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो आप जानते ही दोस्तों, सीधा सीधा बात है, थीटा बट्टा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। आप थीटा की जगह रख देंगे 40 बट्टा 360 मल्टीप्लाई 22 बट्टे 7 इंटू 21 इंटू 21, आप इसको हल कर लीजिएगा, जो भी गुना करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक प्रश्न है, देखिए कि कोई आदमी है, क्या है, कोई पुरुष है जो, यानी कि पांच पुरुष मिलकर के किसी कार्य को 12 दिन में खत्म करता है। अब सीधी सीधी बात है कि पांच पुरुष अगर होगा और 12 दिन लगेंगे काम करने में, तो कुल काम अगर मान लीजिए कितना होगा, वो 60 काम होगा पक्का, क्लियर है। पांच पुरुष है और 12 दिन लगते हैं, एक पुरुष अगर एक काम एक दिन में एक कुर्सी बनाता हो, तो ये कुल मिलाकर के कितने कुर्सी बनेंगे, तो 12 पंचे 60 कुर्सी बनेंगे। एक आदमी जो है एक कुर्सी एक दिन बनाता, पांच आदमी पांच बनाएगा, 12 दिन काम किया, 12 पंचे क्या करेगा, 60 कुर्सी बनेगा। अब ये कहता है कि जो 60 कुर्सी यह 12 दिन में बना लिया, लेकिन कहता है कि जो कार्य का जो कार्य है उसको बढ़ा दिया गया, 60 कुर्सी इसको बनाना था, इसमें मतलब 50% बढ़ा दिया, यानी अब कितनी बनानी है, 90 कुर्सी बनानी है इसको, 90 कुर्सी बनानी है और समय कम कर दिया 10 दिन। तो कहता है आपको कि कितने पुरुष लगेंगे, कितने आदमी लगेंगे, तो सीधी सीधी बात है कि 10 दिन में 90 कुर्सी बनाना है, एक दिन में क्या हो जाएगा, 90 बट्टे कितने हो जाएंगे, 10 जीरो जीरो खत्म, यानी 9 आदमी अगर एक दिन में लग जाएगा, 9 आदमी लग जाएगा 10 दिन काम करेगा, क्योंकि एक आदमी एक कुर्सी पहले से ही बना रहा है, तो 10 दिन में 90 कुर्सी बन जाएगा, यानी कुर्सी बन के तैयार हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न एक पूछा, देखिए कि जो मतलब 84 से किसी संख्या में भाग देने पर, यानी किसी कोई संख्या मान लीजिए ए है, इसमें अगर 84 से भाग दिया जाता है तो शेषफल बचता है 27। तो कहता है इसी संख्या में अगर भाग दिया जाए, कितने से भाग दिया जाए, 6 से, तो कितना शेष बचेगा। ऐसे प्रश्नों में दोस्तों क्या करते हैं, तो शेष में सीधे सीधे भाग लगाते हैं, 27 में 6 भाग लगा दिए, 6 चौके 24 हो जाएगा, और शेष रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 आंसर हो जाएगा, जो शेष बचेगा, यानी शेष फल में ही भाग लगा दीजिए, जो संख्या आएगा वही क्या हो जाएगा आपका, शेष। दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो जरूर शेयर कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि जो कोई पी क्यू आर तीन व्यक्ति हैं, ठीक है, पी क्यू आर, अब कहता है जो क्यू की क्षमता है वो पी से दूनी है, यानी क्यू की क्षमता पी से दूनी है और आर की क्षमता इससे भी दूनी है, क्यू से भी दूनी है, यानी अगर इसका एक है तो इसका दो ना दो है और इसका दो दो ना चार है, ठीक है, तो ये इसकी क्षमताएं हो गई, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं, ये क्षमता है। अब कहता है दोस्तों, क्या कहता है कि ये जो है आपका क्यू और आर मिल करके, क्यू प्लस आर मिल करके किसी कार्य को 16 दिन करता है, तो ये कितने दिनों में खत्म करेगा, ये पी कितने दिनों में खत्म करेगा, यानी पी से भाग लगा दीजिएगा, क्यू प्लस आर का जो हो गया 4 और 2 6 गुने 16 और बट्टा पी का हो जाएगा 1, यानी 96 बट्टा 1 96 दिन लग जाएंगे। यानी अब फिर से समझिए थोड़ा प्रश्न को, प्रश्न ये कहता है कि जो पी का जो क्षमता है उससे दुगुना क्यू का है, उससे दुगुना कितना है आर का है, ये क्षमता हो गया, क्षमता हो गया क्षमता। अब यहाँ कहता है कि क्यू और आर जो दोनों मिल करके जिस कार्य को 16 दिन में खत्म करता है, उस कार्य को पी कितने दिनों में करेगा, ठीक है, तो ये 16 दिन में करेगा, 4 2 6 16 6 96, और उसमें इसको इसकी क्षमता एक ही है, तो एक से भाग लगा देंगे, यही हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हाँ एक प्रश्न था, देखिए दो लगातार विषम संख्या के वर्गों का अंतर 56 है, विषम संख्या के वर्गों का अंतर 56 है, तो संख्या बताइए। इसको आप ऑप्शन से आसानी से बना सकते थे, ऑप्शन से नहीं तो देखिए ऐसे बनाएंगे, दो लगातार विषम संख्या, विषम संख्या मतलब मान लीजिए कि होता है 1 3 तो 1 5 1 5 तो 1 7, लगातार तब होता है, दो का डिफरेंस होता है, आप एक एक्स लेंगे तो एक्स प्लस दो हो जाएगा, तो बड़ा कौन है एक्स प्लस दो, तो एक्स प्लस दो का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ही हो जाएगा 56। आप इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 56, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4x बराबर हो गया, ये हो जाएगा 56 उधर चला गया, कितना हो जाएगा, ये 4 जगह घट जाएगा तो 52, तो x बराबर हो जाएगा आपको 13, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 13, तो एक आ जाएगा 13, तो x है छोटी 13 और एक आ जाएगा 13 2 15, यानी आंसर आ गया 13 और 15, ये आपका आंसर होता, ठीक है, ये प्रश्न था पूछा हुआ। देखिए आगे क्या पूछा है प्रश्न, एक और देख लेते हैं,
हाँ एक प्रश्न देखिए, ये हर बार पूछ रहा, प्रत्येक दिन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तो प्रश्न है कि जो रेट है वो 4% है, 4% टाइम है वो 2 ईयर है, ठीक है, और जो डिफरेंस है CI माइनस SI का वो कितना है, ये है आपका 20। तो आपको मूलधन ज्ञात करना है, सीधी जानते हैं 20 × 100 × 100 कई बार दोस्तों हमने बताया है, बट्टे कितना हो जाता है ये आपका 4 × 4, 4 × 4 = 25, ये हो गया 25 25 25, 625 625 दूने कहते हैं 1250, 1250 पर एक और 0, यानी 12500 आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे प्रश्न थे, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे कि एक और प्रश्न देखिए जो इससे पूछा गया है कि 12000 रुपया, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से पूछा गया, 12000 रुपये जो है उसको कहता है कि 5 वर्ष में अगर 3 गुना हो जाता तो 15 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि कोई धन 5 वर्षों में 3 गुना हो रहा है, ठीक है, तो 2 गुना हो रहा है, कितना गुना, 2 गुना हो रहा है। तो हमने कई बार आपको दोस्तों बताया है कि जितना गुना हो उसमें से आप एक घटा लीजिए, और जितने वर्ष में हो रहा था 5 वर्ष में, आ गुने कितने में ज्ञात करना था 15 वर्षों में, तो 5 × 3 = 15, ये हो गया कितना, 3 × 1 = 3, यानी ये जो है आपको 2 गुना मतलब 2 × 3 यानी 8 कर लीजिए इसको, ये कितने गुने हो जाएंगे, 8 गुने हो जाएंगे 15 वर्षों में, कितने गुने हो जाएंगे, 8 गुने, ठीक है। अब ये 8 गुना जो हो जाएगा 12000 रुपया है, तो 12000 × 8 कितना हो जाएगा, 8 × 12 = 96000 रुपया इसका आंसर आ जाएगा, ये इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी धन यदि यानी उसको हम क्या करते हैं, घन कर लेते हैं, ठीक है, यानी अगर कहता है 5 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो 15 वर्षों में कितना गुना होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, 3 गुना यानी 15/5 करेंगे तो 3 होता है, उसी 3 को हम उल्टा करके क्या करेंगे, जितना 2 है वो, तो 2 से आपको 2 का घन निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप यानी कि 5 वर्ष और 15 वर्ष तक भाग लगाए 3 हो गया, 3 × 2 = 2 लगा देंगे तो ये 8 हो जाएगा, तो 8 गुना हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थोड़ा सा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम प्रत्येक दिन आपके लिए हम लेकर के आएंगे पूरे लेटेस्ट अपडेट, एकदम बहुत ही साफ सुथरा और 100% आपके लिए हम बेहतर लेके आएंगे। चलिए वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद।